26वां दिन। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें, अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदलें। ओपरा विनफ्री, मीडिया पर्सनालिटी और व्यवसाय। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन जाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियाँ करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं और यदि हम कोई गलती ना करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुँच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट ना मिले कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं, ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्रायः किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज़ गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया है और चालान बना दिया। हम तेज़ गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने की बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं, चूँकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाए। उनके पास रडार गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज़ गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उनसे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे और परिणाम यह होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है, लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीख सकते हैं? कृतज्ञता। चाहे कोई चीज़ कितनी ही बुरी क्यों न दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीज़ें हमेशा हमेशा रहती हैं। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीज़ों की तलाश करने लगते हैं तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियाँ अधिक गलतियों को आकर्षित करती है और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुने। उसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर से पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफ़ेद झूठ बोला और इसकी वजह से ही आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज़ के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज़ के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह उल्टा पड़ गया। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें तो कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करें। आपकी मदद के लिए यहाँ दो सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? वे कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई?
हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीज़ वो होती है जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिखें और कंप्यूटर पर टाइप कर लें। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। नंबर एक, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुँचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा करने की ही कोशिश कर रहे थे। नंबर दो, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीज़ों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। नंबर तीन, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज़ गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था जिन्हें बदलने की ज़रूरत थी। नंबर चार, मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूँगा और ज़्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊँगा। नंबर पाँच, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज़ गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। नंबर छः, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज़ गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज़ गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। नंबर सात, मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वह यह काम कर रहे हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। नंबर आठ, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियाँ देखते होंगे और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर नौ, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुँच जाऊँ और हर बार की तरह अपने घर का दरवाज़ा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूँ जैसे हमेशा मिलता हूँ। नंबर दस, मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज़ गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते हैं थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियाँ की हैं, जिनके बारे में आप भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किसी दूसरी चीज़ से मिल सकते हैं क्या? जादुई अभ्यास क्रमांक 36, जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। नंबर एक, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर दो, किसी एक गलती को चुनें जो आपने अपने जीवन में की थी। नंबर तीन, उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख लें। नंबर चार, वरदान खोजने में आपकी मदद के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी चीज़ें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। नंबर पाँच, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।